दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस में अपडेट हुआ है। और दोस्तों अभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारा किसानों को ओटीपी नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो किसान है, ये किसान का नाम देखिए, इसमें नाम नहीं है, दूसरा नाम इसमें लगा हुआ है, भोजपुरी डांस। उन्होंने 3 घंटे का पहले मैसेज किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद भी मतलब गलत बता रहा है। सही रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद भी अगर आपका बेनिफिशियरी स्टेटस निकाल नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर रॉन्ग करके बता रहे हैं, उसी तरह किसानों को क्या होगा इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, ये फार्मर कॉर्नर पे आके ये बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों बेनिफिशियरी स्टेटस निकालने के लिए आपको इस पर आना होगा। उसके बाद आपके सामने और एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको बताया जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और इसमें कैप्सा। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, जिस किसान का सही रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नंबर रॉन्ग करके बता रहे, उसी तरह किसानों को क्या करना होगा, ये जो नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर उसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने और एक पेस्ट ओपन होगा जिसमें आपको बताया जाएगा मोबाइल नंबर और इसमें आधार नंबर। तो दोस्तों आप इसमें मोबाइल नंबर यानी आधार नंबर दोनों में से कोई एक नंबर और कैप्सा डाल के दोस्तों गेट ओटीपी मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर से आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लीजिएगा। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रहे उसी तरह किसान को सॉल्व कब होगा ये तो हम जानेंगे। तो दोस्तों इसमें बेनिफिशियरी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसमें जो भी कैप्सा हो रहे हैं सेम टू सेम कैप्सा मैंने डाल दिया है। दोस्तों कैप्सा डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। दोस्तों गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड होगा। ओटीपी डाल के आपको सबमिट करना होगा। दोस्तों सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन हो जाएगा। दोस्तों जिस किसान का सही रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद भी बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन नहीं हो रहा है, उसी तरह किसान मेरे को कुछ ही दिन वेट करना होगा। क्योंकि दोस्तों बेनिफिशियरी स्टेटस अपडेट होने के बाद जो ओटीपी मैसेज कॉल से किया है, ओटीपी मैसेज बहुत सारा किसान को ओटीपी काम नहीं कर रहा है, यानी कि सही ओटीपी डालने के बाद भी इनवैलिड करके बता रहे। दोस्तों ये जो प्रोसेस है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है ये जो ओटीपी के थ्रू बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने का प्रोसेस है ये हट सकता है। क्योंकि बहुत सारा किसानों का यानी कि बहुत किसान ने कंप्लेंट दर्ज किया है। दोस्तों ये जो मतलब अपडेट है किसानों के लिए सही अपडेट नहीं है। तो दोस्तों इसका ऊपर भी शायद अपडेट आ जाएगा। अपडेट आने तक आप लोग वेट कीजिएगा। जिस किसान का सही रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नंबर गलत करके बता रहे, उसी तरह किसान 2 दिन के बाद ट्राई कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये 2 दिन के अंदर और भी अपडेट आने वाला है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तरफ से अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे।